व्हाट्स हैपनिंग पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। कहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो? डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है। स्पेसिफिकली हम आज डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के बारे में बात करेंगे। फेसबुक इंस्टाग्राम तो आपको पता ही होगा, इंस्टाग्राम इज ओन्ड बाई फेसबुक एंड इसमें एड्स दिखते हैं। अगर आप स्टोरीज में देखोगे तो आपको हर 3-4 स्टोरी के बाद एक ऐड दिखता है। तो बेसिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो बिजनेस मॉडल है वो एड्स भी होता है। कंपनीज, ब्रांड्स, पीपल, स्टार्टअप्स सब इसको पैसा देते हैं, फेसबुक को पैसा मिलता है, उस पैसे पर लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड लगाते हैं, वहीं से इनका रेवेन्यू आता है। तो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम को पैसे क्यों दिखाते हैं? ऐड लगाने के लिए दिखाते हैं। ऐड दिखाने से क्या होता है? ऐड दिखाने से पैसा वापस आता है, रेवेन्यू मिलता है। हाउ? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ई कॉमर्स का एग्जाम्पल दूँ, ई कॉमर्स अगर आपने अमेजोन से कुछ खरीदा एंड खरीदा नहीं, अगर आप अमेजोन पर जा रहे हो और आपने कोई प्रोडक्ट देखा और आपने खरीदा नहीं, अब वापस फेसबुक में आते हो, वापस इंस्टाग्राम में आते हो, तो आपने पक्का उसे वापस वही प्रोडक्ट फिर से देखा होगा कि आपको दिख रहा है। वो कैसे होता है? वो एक कॉन्सेप्ट होता है फेसबुक पिक्सल। वो आपको ट्रैक करते हैं कि आप इस वेबसाइट में आए और आपको प्रोडक्ट दोबारा दिखाता है तो चांसेस जो है खरीदने के वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप जब खरीद लेते हो वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू होता है एंड फेसबुक को पैसा मिलता है इसी चीज़ का। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 रुपये की ऐड लगाई है और 100 रुपये की ऐड लगाने से मुझे 500 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है, तो मेरे को 5 times रिटर्न मिल रहा है। 100 रुपये डालने से मुझे 500 रुपये आ रहा है। तो ये बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्जांपल था कि कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम का एड्स चलता है। मैं पर्सनली फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स ऑलमोस्ट 2 साल और 3 महीने में, मेरे को 2 साल हो जाएंगे फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स डिजिटल मार्केटिंग गूगल एड्स करते करते। गूगल एड्स तो बात की बात है, गूगल एड्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वीडियो में से फेसबुक इंस्टाग्राम की बात करेंगे एंड मेरे को हो गए अराउंड 2 साल एड्स करते करते। मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने खुद ई कॉमर्स कर रखा है, जैसे मैंने अराउंड 2 महीने में 7-7.5 लाख की सेल भी करी हुई थी। मेरे को 4 का रिटर्न आया था, अगर मैं 1 रुपये डाल रहा हूँ तो मुझे 4 रुपये वापस मिल रहे हैं। तो मैंने वो भी लास्ट ईयर कर रखा है, ई कॉमर्स कर रखा है। मेरे भी 4-5 क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं मार्केटिंग करता हूँ। तो ये ऊपर से है कि मार्केटिंग क्या होती है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो, ये एक ऐड मैनेजर है। ये जो इतने सारे लिखे हैं यहाँ पे, आयुष शुक्ला, आयुषान अरोड़ा, ऐड अकाउंट 1, RM फंड वेस्टिंग, इंडिगोको, ये सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। ये सारे अलग अलग ऐड अकाउंट्स हैं, इन हर ऐड अकाउंट में कुछ ना कुछ चल रहा है। ईशान अरोड़ा में जाओ तो ये हमारे कोर्स बिकता है, हम फाइनेंस के कोर्सेज बेचते हैं। तो अगर मैं आपको लाइफ टाइम बताऊँ, 4 February to 4 September में 5,18,000 का स्पेंड हुआ है। अगर मैं यश शर्मा वाले अकाउंट का बताऊँ, इसमें लाइफ टाइम में 70,000 का खर्चा हुआ है। तो ये अलग अलग ऐड अकाउंट्स होते हैं। इस यश शर्मा का जो ऐड अकाउंट है, इसमें हमारे फॉलोअर्स के ऐड चलते हैं। अगर मेरा कोई एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरा कैसे फॉलोअर्स बढ़े, उसके लिए मैं फॉलोअर वाले ऐड लगाता हूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स की ग्रोथ होगी। मैं इंस्टाग्राम को पैसे देता हूँ, भाई तू ले 100 रुपये दे, बता मेरे कितने फॉलोअर बढ़ जाएंगे। वो तरीका होता है। वन आ रहा है एक और ई कॉमर्स है, जिम इक्विपमेंट में, इसमें हमने 45,000 स्पेंड किए हैं। ये ई कॉमर्स रिलेटेड है। एड अकाउंट 1 में मैं अपना थोड़ा थोड़ा कुछ करता रहता हूँ। अगर मेरे को अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाना है या मेरे को अपना कुछ यूट्यूब का करना है, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया बट फिर मैंने 15,000 का स्पेंड कर रखा है। कोई लीड जनरेशन, मेरा खुद का कोर्स है वो बेचने के लिए हो गया, मेरा इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाना है, ये सब चीज़ों के लिए मैं खुद यूज़ करता रहता हूँ। सो बेसिकली अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, ये देखो, ये है 800 रुपये यहाँ पे स्पेंड हुए हैं लीड जनरेशन है। लीड जनरेशन मतलब मुझे लीड्स चाहिए, मेरे को 36 लीड्स मिली है। मेरी एक लीड की कॉस्ट 22 रुपीज़ है, विच इज़ एवरेज, इतने में तो आती है। तो 22 रुपये पर मेरे को लीड आई है। अब इन लीड्स पे मैं कॉल करूँगा, अब इन लीड्स को मैं बोलूँगा कि मेरा कोर्स है, आपको खरीदना है क्या। तो ये ऐड अकाउंट है, यहाँ पे सब प्रोसेस होता है, सब कुछ यहीं से होता है। फेसबुक पे ऐड भी आप यहीं से लगाते हो, इंस्टाग्राम पे एड्स भी आप यहीं से लगाते हो। ये अब बात करते हैं कि आप ये सीख कहाँ से सकते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स आप सीखोगे कहाँ से। बिकॉज अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, अगर आपने किसी सीखा नहीं है और आप खुद डायरेक्टली ऐड लगाना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको बहुत नुकसान होगा। फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम में एड्स चलाने में आपको पैसे डालने पड़ते हैं, यू हैव टू पे फेसबुक। आप फेसबुक में पैसे डालोगे तभी आपका ऐड रन होगा। तो बहुत से लोग जो अच्छी इन्वेस्टमेंट करके नहीं सीखते हैं, वो बाद में बहुत पछताते हैं, क्योंकि वो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जितने भी पैसे डाल रहे हैं वो सारे के सारे डूब जाते हैं। बिकॉज इतना आसान नहीं है ऐड चलाना, आपको काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है और आप ऐसे घुस जा रहे हो तो आपको नुकसान होना तो पक्का है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स कहाँ से सीख सकते हो? अगर आपको बिल्कुल पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप यूट्यूब से सीख लो। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, कम से कम 1,000-2,000 वीडियोस होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा है, कहीं में कुछ बताया है, कहीं में कुछ बताया है। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है बट काफ़ी होती है। अगर आपको बेसिक लेवल में स्टार्ट करना है तो आप वहाँ से सीख लो, यूट्यूब में जाओ, फेसबुक एड्स बेसिक्स, फेसबुक एड कैसे सीखते हैं वगैरह वगैरह करो, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, वहाँ से आप बेसिक सीख सकते हो। बट अगर आपको अच्छे से सीखना है, आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट का कोर्स है, हमें उडेमी में आई थिंक 700-800 रुपये के कोर्सेज मिल जाते हैं। काफ़ी अंग्रेज, काफ़ी इंग्लिश टीचर्स हैं आई थिंक, मैंने भी 1-2 बार ट्राई कर रखा है, एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, इतने बुरे नहीं होते हैं। 700-800 रुपये में कहीं मिलेगा, तो उस सेंस में ठीक है। तो ये 2-3 तरीके होते हैं हमसे सीख सकते हो। उसके बाद
मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब तक आप खुद पैसे डाल के प्रैक्टिकली नहीं सीखोगे, प्रैक्टिकली ऐड नहीं लगाओगे, तब तक के आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले एक बार कोर्स ले लो या फिर कहीं से सीख लो। अगर आप कोई इंटर्नशिप कर सकते हो जहाँ पे आपको सिखा दे, बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई कोर्स ले सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर आपके पास कोई सीनियर है, कोई मेंटोर है, कोई आपकी मदद कर रहा है ऐड चलाने में, आपको सिखा रहा है, तो बहुत बढ़िया है। तो ये 3-4 तरीके होते हैं। मेरा खुद का कोर्स है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का खुद का कोर्स है। अगर आप वेबसाइट में देख रहे हो, ये है मेरी वेबसाइट shuklaayush.com में आप जाओगे तो सब यहाँ पे मिल जाएगा। मेरा पोर्टफोलियो, मेरे क्लाइंट्स क्या हैं, मैं, मेरे पॉडकास्ट, मेरा स्पॉटिफाई, मेरा यूट्यूब, सब मिल जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, होम, यूट्यूब, पोर्टफोलियो, पॉडकास्ट, कोर्स, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह। अब इसमें आप कोर्स पर क्लिक करोगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग मास्टर क्लास। ये मेरा कोर्स है, मैंने अराउंड ये मार्च में बनाया था, मार्च ऑफ 2020 में। एंड मैंने अप्रैल में मार्केट वार्केट किया था, मेरे पास अभी 50-55 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद मेरा क्लाइंट का काम बहुत बढ़ गया था, मैं उसको मार्केट करना बंद कर दिया था। अभी मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। ये मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम क्लोज, ग्रो योर बिजनेस, इंप्रूव योर प्रोफाइल, बी जॉब रेडी, एडवांस, इन डेप्थ 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, लाइव जूम क्लास, पोस्ट आफ्टर कोर्स खत्म कर लोगे, इसके बाद एक जूम क्लास भी ली जाएगी। इसमें इंट्रोडक्शन 3 है। इसमें इंट्रोडक्शन में बेसिकली एकदम बिगिनर लेवल है, जिसको कुछ नहीं आता है, वाई फेसबुक एड्स, मेकिंग अ बिजनेस मैनेजर, फेसबुक एड पॉलिसीज, फेसबुक एड अकाउंट, क्विक एड रन थ्रू, सब कुछ। ये वाला क्विक एड रन थ्रू वाला जो वीडियो है, मैंने इसको अनलिस्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर किसी को देखना है कि कैसा कोर्स है तो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ, उसमें यूट्यूब का एक वीडियो होगा अनलिस्टेड है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो कि एक्चुअली डेमो वीडियो की एक्चुअली कोर्स कैसा है। फिर इंटरमीडिएट में फेसबुक एंड ई कॉमर्स के बारे में बताता हूँ, एक रनिंग लाइव कैंपेन, मैं एक लाइव कैंपेन चलाता हूँ, कैसे डुप्लीकेट करते हैं, रूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ई बी टेस्टिंग क्या होती है, स्केल कैसे करते हो, एक्सपर्ट लेवल में कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, पिक्सल जो सेटअप मैंने स्टार्टिंग में बताया था अमेज़न वाला वो कैसे होता है, एक लुक एक ऑडियंस कैसे बनेगी, कस्टम ऑडियंस कैसे बनेगी, रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग कैसे बार बार एक ही आदमी को दिखेगा, कैसे आप अपसेल करोगे, क्रॉस सेल करोगे, लीड जनरेशन एड्स, फ्रीलांसिंग। इसमें मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो 3 बिजनेस भी बताता हूँ जो मैंने खुद कर चुका हूँ। एक हो गया सेल्स बिजनेस मॉडल हो गया, इसमें बेसिकली लीड जनरेशन लगाता हूँ, जैसे मेरा खुद का कोर्स है जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले मैं क्या करता था, लीड जनरेशन की एड लगाता था, वहाँ से मुझे नंबर्स मिलते थे, मैं उनको कॉल करता था, मेरी टीम कॉल करती थी, उन्हें भेजती थी। एक बिजनेस मॉडल था, एक बिजनेस मॉडल बन गया। दूसरा है फ्रीलांसिंग और क्लाइंट वर्क। आपको फेसबुक एड्स आता है, इंस्टाग्राम एड्स आता है, दैट इज अ स्किल। एक बार आपने स्किल सीख लिया उसके बाद आप क्लाइंट का वर्क कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जो बहुत इफेक्टिव होता है, काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं विदाउट इवन डूइंग अ जॉब। सो बिजनेस मॉडल 2 वो है। नंबर 3 बिजनेस मॉडल इज ई कॉमर्स, जैसे अमेजन हो गया, जैसे महिंद्रा हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब ई कॉमर्स है। वो कैसे एड रन करते हैं, आप कैसे खुद का ई कॉमर्स स्टोर यूज़ कर सकते हो शॉपिफाई यूज़ करके, वो भी मैंने कोर्स में बता रखा है। अगर आपको कोर्स स्ट्रक्चर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। अगर फिर भी अगर आपको यहाँ से चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट में जाके कोर्स में क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ भी कोर्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा, करिकुलम मिल जाएगा। वैसे तो यही है, थोड़ा सा और डिटेल दे रखी है। फाइनली लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट 100% प्रैक्टिकल रिकॉर्ड सेशन ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपको जो भी डाउट्स है पहले ये पढ़ लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर कर रखे हैं। हाउ मेनी वीडियोस आर इन द कोर्स, 30 वीडियोस, कितने आवर का है, 6 घंटे से ऊपर का है, जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पे एक बार देख लेना। अगर आपको डाउट है तो मुझे ayush@shuklaayush.com पे मेल कर सकते हो, या ayushshukla99@gmail.com। ऑल्टरनेटिवली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, यहाँ पे मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, कोई डाउट हो तो मैं वो उसमें भी आपकी मदद कर दूंगा। कोर्स कैसे चलेगा, कोर्स में अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको कोर्स के दौरान भी कोई डाउट आता है तो मेरा व्हाट्सएप एक ग्रुप है, वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपको जो भी डाउट्स है वहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड आफ्टर आप कोर्स कर ले तो एक जूम कॉल भी ली जाएगी 1-1.5 घंटे की, डिपेंडिंग अपॉन कितने लोग हैं, उसमें भी आपने डाउट क्लियर कर सकते हो। इंटर्नशिप में भी मैं हेल्प कर दूंगा इफ़ यू आर रियली गुड एट व्हाट यू डू, राइट गाइस। सो दैट वाज इट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये था क्यों सीखना चाहिए, कैसे सीख सकते हो वगैरह वगैरह। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्लिक करो, कमेंट सेक्शन में मैं आंसर कर दूंगा। एंड यप, दैट्स इट। एक और एक वीडियो आ रहा है ऑन व्हाई यू शुड एक्चुअली लर्न डिजिटल मार्केटिंग, उसका भी अभी 3-4 दिन में वो भी आ जाएगा। अगर उसमें डाउट है तो उसका वेट कर लो, वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे दोबारा आना, एंड तब तुम ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हो। और गाइस, थैंक यू सो मच, दैट वाज आयुष शुक्ला। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, टैग योर फ्रेंड्स, टैग तो नहीं कर सकते बट शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, बाय। We'll be right back.